नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपको सभी को पता ही होगा कि यूपी पुलिस का जो फिजिकल है उसमें रनिंग चल रही है। तो दोस्तों, आज जानेंगे कि रनिंग में कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं और कितने अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर दौड़ में शामिल हुए थे उसमें से 40 से 50% अभ्यर्थी बाहर कर दिए गए हैं। दोस्तों, कुछ गलतियों के कारण कर दिए गए हैं और कुछ यहाँ पर कुछ समस्याओं के कारण इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। दोस्तों, यदि आप सही हो तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों, आप अपनी गलती पहले से ही सुधार लीजिए ताकि आप आसानी से आपका सिलेक्शन हो सके। चलिए दोस्तों, हम आपको डायरेक्ट ले चलते हैं जो है न्यूज़ में बताया गया कि आज कितने अभ्यर्थी यहाँ पर क्वालिफाई किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए अपन चलते हैं और वेबसाइट पर डायरेक्ट चलते हैं जहाँ पर है कंफर्मेशन के साथ कहा गया है कि आज जो है कितने अभ्यर्थी यहाँ पर क्वालिफाई किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो अमर उजाला की न्यूज़ है इसमें डायरेक्ट ही यहाँ पर कहा गया है कि जो आज जो टेस्ट यहाँ पर रनिंग हुई थी उसमें 208 महिला अभ्यर्थी दौड़ से बाहर, वर्दी का सपना टूटा। इनका पहला हेडलाइन यही है कि यूपी पुलिस भर्ती 2208 महिला अभ्यर्थी दौड़ से बाहर हो गई और उनका जो वर्दी का सपना है वह भी अधूरा रह गया है। दोस्तों, आज कल अधिकतर महिलाएं जो अभ्यर्थी होती हैं वह बहुत कम ही यहाँ पर क्वालिफाई कर पाती, अधिकतर बाहर हो जाती हैं रनिंग में। दोस्तों, इसमें लिखा गया है यूपी पुलिस सिपाही भर्ती प्रक्रिया में मेरठ पुलिस लाइन में 512 अभ्यर्थियों की नापतोल हुई। इस दौरान अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी किया गया, यानी कि इसी दिन इनको DB भी हुआ। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर कहा है कि जो अधिकारी हैं, अधिकारियों ने बताया है कि लंबाई कम होने के कारण लगभग 512 में से 24 अभ्यर्थी जो थे वह बाहर कर दिए गए हैं। किसके? हाइट की प्रॉब्लम की वजह से, यानी कि हाइट कम थी उनकी, उन 24 अभ्यर्थियों को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया है। और बाकी जो छठी वाहिनी है वहाँ पर दोस्तों रनिंग चल रही है, जो कि यहाँ पर सुबह से चलती है 7 बजे से शाम 4 बजे तक यह रनिंग चलती है। दोस्तों, ने अधिकारियों ने बताया है कि गुरुवार को 842 अभ्यर्थी पहुँचे रनिंग के लिए। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक दौड़ की प्रक्रिया चली। इस दौरान 208 अभ्यर्थी दौड़ पूरी नहीं कर सके और भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए। मेरठ में के अलावा यह दोस्तों और कहां कहां फिजिकल रनिंग चल रही है। तो दोस्तों, यह बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद और हापुड़, गौतम बुद्ध नगर सहित अन्य जिलों में जो रनिंग चल रही है वह और रनिंग और नापतोल का कार्य इसमें चल रहा है, जो कि यूपी पुलिस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत हो रहा है। तो दोस्तों, आपको यह बताना है आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। दोस्तों, आपके लिए बताना, यदि आपकी रनिंग जो है वह होने वाली है तो दोस्तों आप बिल्कुल नियमित प्रैक्टिस करते रहिए रनिंग की, ताकि आप रनिंग में क्वालिफाई कर जाएँ। आप सभी आपका कंफर्मेशन हो, यानी कि आपका रिजल्ट भी आ गया है, तो दोस्तों आप रनिंग में क्यों रहें। दोस्तों, आप बिल्कुल नियमित रनिंग करते रहें और डेली प्रैक्टिस करते रहें जब तक कि आपकी रनिंग कंप्लीट ना हो। बिल्कुल एक दिन भी रुकना नहीं, आराम आराम से प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपकी जो रनिंग है वह 5 मिनट से कम समय में ही आपकी रनिंग आ जाए, जो कि निर्धारित समय दिया गया है दौड़ने के लिए। उस निर्धारित समय के पहले आपकी दौड़ आ जाएगी बिल्कुल, यदि आप नियमित प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो आप अपने चैनल शिक्षा अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।